तो मंटालो का पदोस टेक्नोमेंट आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया है और इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे iOS 11 के जेल ब्रेकिंग के बारे में। अभी iOS 11 का एक जेल ब्रेक ऐप रिलीज हुआ है दोस्तों, ये रहा वो ऐप जिसके जरिए हम iOS 11 को जेल ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जेल ब्रेक करने से पहले मेरी बात सुन लो, ये जेल ब्रेक करके हमें कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ये जेल ब्रेक हमारे लिए अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, यानी कि पब्लिक रिलीज इस ऐप का अभी तक नहीं हुआ है। ये सिर्फ डेवलपर के लिए है जो कि वेरी अनस्टेबल है, ये ऐप अनस्टेबल है। इसका मतलब रिस्क है जेल ब्रेक करने में, आपका फोन हैंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। और दोस्तों मैंने जेल ब्रेक करके देख चुका हूँ दोस्तों कि इसको जेल ब्रेक करने के बाद आपको हमें सिर्फ CDI एप्लीकेशन हमारे होम स्क्रीन पर मिल जाएगा, लेकिन जो हम CDI के साथ जो भी काम करते हैं जैसे कि हैक करते हैं, गेम ट्विक्स डाउनलोड करते हैं, थीम्स बदलते हैं, वो सब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अभी तक हमारे लिए जेल रिलीज नहीं हुआ है। ये जेल ब्रेक करके सिर्फ डेवलपर को फायदा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है और आपको जेल ब्रेक करना है तो दोस्तों आपका दोस्त रिकमेंड आपको बता देगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ, आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक आपको खोलना है सफारी से ही खोलना दोस्तों ये लिंक। उसके बाद आपको इस तरीके का ऐड बताएगा, वेट कर लेना यार 5 सेकेंड। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा स्किप ऐड पे, ऐड दिखाएगा वापस वो पेज पे जाके वापस से क्लिक कर देना स्किप ऐड पे। उसके बाद आपको इस तरीके का आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आपको खोलना होगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन खोलने से पहले आपको जाना होगा जनरल पे, अगर आपको बताता है कि कुछ वेरीफाई करना। उसके बाद आपको जाना होगा प्रोफाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट, सबसे लास्ट वाले पे जाना होगा, यहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करना होगा। मेरे पास ऑलरेडी वेरीफाइड है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी स्टेप कर चुका हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन खोलना होगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ दबाना होगा जहाँ पर टैप टू जेल ब्रेक, उसके बाद पाँच मिनट में आपका फ़ोन जेल ब्रेक हो जाएगा और आपका CDI इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ये जेल ब्रेक करके हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ दिनों में दोस्तों इसका पब्लिक वर्जन रिलीज हो जाएगा, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के दोस्तों हमें वेट करना होगा। और जो लोग 11.2 पे जा चुके हैं दोस्तों उनके लिए बैड न्यूज़ है कि इनके लिए अभी तक जेल ब्रेक नहीं आया है, ज़रूर आ जाएगा कुछ महीनों में दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो और अगर बेल आइकन दबा के रखो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन पे। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, बाय।